मुझे खास तौर से ये हुक्म दिया है कि चूंकि मौसम जरा सा इधर उधर हो रहा है, इसलिए एक ऐसा शायर जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं चाहता था कि उन्हें बिल्कुल आखिरी हिस्से में पढ़वाता, लेकिन चूंकि सदर साहब का हुक्म है इसलिए मैं उनके हुक्म पर अहद हाजिर के उस महबूब शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूँ जिन्हें बारहा आपने मुख्तलिफ जराए अबलाग में देखा सुना है, मुशायरे की महफिलें हो, टेलीविजन चैनल्स के शो हो या इंडस्ट्री की मुख्तलिफ हवालों से की गई उनकी खिदमात हो, इन सब में एक चेहरा आपको बार बार नजर आया है और वो चेहरा है जनाबे महशर आफरीदी का। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, कम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, आपने जिस तरह बीमार से रुख्सत ली है साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब महशर आफरीदी भाई। इजाजत चाहता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बालापुर से खूबसूरत लोगों का कि मोहित भाई ने यहाँ मुझे हाजिर होने का मौका दिया और पद्म चाकरी दी। मैं अपनी कुछ चीज़ें पेश करता हूँ, मुलाजमत और सुना तो मैदान से मजबूर बशर देखे थे, ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे थे, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे थे, हमने देखा है वजादार घरानों का सवाल, हमने सड़कों पे कई शहर सफर देखे।